हो गई है पीर पर्वत जी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दोस्तों आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल स्प्रिंग अप में। दोस्तों अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल स्प्रिंग अप को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश करूंगा कि अपने YouTube चैनल स्प्रिंग अप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो पास में घंटी का साइन लगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आज हम देखेंगे गिलुंड जो राजस्थान में एक सभ्यता है, गिलुंड सभ्यता, वो राजसमंद में पड़ता है। निश्चित तौर पर आज इसके बारे में देखेंगे, उसके प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखने वाले हैं कि पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से एग्जाम आते हैं, किस प्रकार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है। दोस्तों देखते हैं गिलुंड राजसमंद का स्थल है, ये बनास नदी के तट पर स्थित है, आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि बनास नदी पर या इनमें से गिलुंड कौन सी नदी पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना बनास नदी पर तट पर है और यहाँ ताम्र पाषाण युगीन एवं बाद की सभ्यता को अवशेष मिले हैं। दोस्तों ठीक है, यहाँ ताम्र पाषाण युगीन एवं उसके बाद की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए और सन 1957-58 में यहाँ उत्खनन करवाया गया था। और यह संस्कृति स्थल हड़प्पा से भी प्राचीन है, यहाँ मकानों के पक्की ईंटों का प्रयोग किए गए हैं। इसका संबंध हड़प्पा संस्कृति से था, यहाँ से प्राप्त काले व लाल रंग के बर्तन अलंकृत हैं। और उसके बाद हम देखेंगे बागोर भीलवाड़ा, जो भीलवाड़ा में स्थल पड़ता है बागोर, उसके बारे में प्रमुख तथ्य कौन से नदी पर हैं और उसके बारे में प्रमुख तथ्य है। दोस्तों यह कोठारी नदी के तट पर स्थित है जो बनास की सहायक नदी है, कोठारी नदी पर है जो बनास की सहायक है। और बागोर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो बागोर से मिले हैं। और यहाँ से उत्तर पाषाण कालीन एवं आहार सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ उत्खनन से संबंधित स्थल महासत्यों का टीला कहलाता है, ये ध्यान रखना महासत्यों का टीला किससे संबंधित है, कौन सी सभ्यता से, तो बागोर भीलवाड़ा से संबंधित है। और इसका उत्खनन 1967 व 69 VN मिश्रा व डॉक्टर LS तो लेस्टनी द्वारा किया गया था। और यहाँ से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं, ये सभ्यता मुख्यतः मध्य पाषाण कालीन है। बागोर की सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट बात है कि आदिम संस्कृति का संग्रहालय कौन सी सभ्यता को कहा जाता है, बागोर सभ्यता को। दोस्तों अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस संबंध में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। ओके दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल स्प्रिंग अप। ओके दोस्तों जय हिंद जय भारत।